सब्सक्राइब कीजिए प्रॉपर्टी फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट प्रॉपर्टी की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश और स्वागत करता हूं आप सभी का प्रॉपर्टी फॉर यू के एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 2 BHK का हाउस दिखाने वाले हैं जिसका लोकेशन आपको मिलता है शाश्वत नगर कांदूल रोड रायपुर में। तो चलिए चलते हैं अपने घर के अंदर, देखते हैं घर अंदर से आपको कैसा मिलता है। तो ये आपका पार्किंग एरिया हो गया जहाँ पर आप अपने गाड़ियाँ वगैरह जो है वो आराम से पार्क कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ऊपर में आपको छोटा सा फॉल सीलिंग का वर्क भी देखने को मिल जाता है। और इसी पार्किंग एरिया से आपको टेरेस में जाने के लिए स्टेयर्स भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक कॉमन वॉशरूम भी मिल जाता है जो कि आपके पार्किंग एरिया में ही है। तो देख लेते हैं हम अभी अपना कॉमन वॉशरूम। तो ये आपका कॉमन वॉशरूम है। अभी चलते हैं हम घर के अंदर और देखते हैं आपको अंदर से घर कैसा मिल जाता है। तो इंटर करते ही सबसे पहले आपको हॉल का एरिया देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, इस घर का जो हॉल का स्पेस है वो काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है, काफ़ी सफिशियंट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे ऊपर आपको फॉल सीलिंग भी देखने को मिल जाती है विद LED लाइट्स के साथ। जैसा आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं, हॉल में काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। तो आपको स्पेस की इस हॉल में कमी नहीं होने वाली है। और इस घर का सारा डिटेल जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए। अभी चलते हैं हम अपने बेडरूम की तरफ। तो ये है हमारा पहला बेडरूम। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ फ्रंट में आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा आपको वॉलपेपर का वर्क जो है इस बेडरूम में देखने को मिल जाता है। साथ ही ऊपर आपको फॉल सीलिंग का वर्क भी देखने को मिल जाता है। वेंटिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर विंडोज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़े विंडो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जिससे आपके वेंटिलेशन की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। साथ ही इस बेडरूम में आप ऊपर देख सकते हैं आपको स्टोरेज के लिए काफ़ी बड़ा स्पेस जो है वो भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, इस बेडरूम के साथ आपको एक अटैच वॉशरूम भी मिलता है। तो अभी देखते हैं हम अपना वॉशरूम। ये है अभी आपका वॉशरूम है और यहाँ पे अभी जो है टॉयलेट सीट फिट नहीं हुई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इंडियन या वेस्टर्न जैसा भी आप टॉयलेट सीट फिट कराना चाहें वो अभी आप करवा सकते हैं। साथ ही आपको सारे फिटिंग्स जो एक वॉशरूम में होना चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये था हमारा पहला बेडरूम। अभी हम चलते हैं अपने किचन की तरफ और देखते हैं कि किचन में स्पेस आपको किस तरह का मिलता है। तो ये आपका किचन हो गया। किचन में भी काफ़ी सफिशियंट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे प्लेटफॉर्म वगैरह सारा बना हुआ है। वॉल में आपको वॉल टाइल्स देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर भी ऊपर आपको स्टोरेज के लिए स्पेस अलग से दिया गया है। यहाँ पर आपको स्टील सिंक देखने को मिल जाता है 2 नल कनेक्शन के साथ। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो के लिए भी जगह छोड़ी गई है। और किचन से ही लगा आपको आपका यूटिलिटी स्पेस जिसे आप वॉशिंग स्पेस भी बोल सकते हैं वो भी मिलता है। तो यहाँ पे आप अपने कपड़े बर्तन वगैरह जो धो सकते हैं। साथ ही ऊपर आपको जाली से ये आपको पूरा ब्लॉक मिलने वाला है। तो ये था हमारा किचन। अभी हम चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो ये है आपका सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम में भी काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। और साथ ही यहाँ पे भी आपको खूबसूरत सा वॉलपेपर का वर्क जो है वो वॉल में देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ ऊपर में भी आपको फॉल सीलिंग जो है सभी देखने को मिल जाती है। इस बेडरूम में भी आपको वेंटिलेशन के लिए बढ़िया बड़ी सी विंडो देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर भी आप ऊपर देख सकते हैं स्टोरेज के लिए जो है आपको रैक बनाया गया है। और दोस्तों, तो इस बेडरूम में भी जो है आपको अटैच वॉशरूम मिलता है जहाँ पे आपको इंडियन टॉयलेट सीट का जो है ऑप्शन देखने को मिल जाता है और सभी फिटिंग्स यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। तो मतलब कि आपको इस घर में 3 बाथरूम देखने को मिलेंगे, 2 अटैच और 1 कॉमन। तो अभी हम चलते हैं हमारे टेरेस के तरफ और देखते हैं कि आसपास का लोकेशन कैसा है। और दोस्तों, अगर आप इस घर में विजिट करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं तो पहले तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। उसमें मैं प्लॉट एरिया, कंस्ट्रक्शन एरिया सारा चीज़ें बता दूंगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है या आप विजिट करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन में दिए गए नंबर में कॉल कर सकते हैं विजिट के लिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।